dear students today i am going to take your topic nucleic acid in which we are going to discuss about the ribonucleic acid which is also known as rna myself dr fatima sultana associate professor in department of zoology jdb government girls college kota dna as we had discussed that it is a double stranded helical structure whereas rna is single stranded RNA is usually single-stranded, but sometimes it is double-stranded. That is, it connects itself, it can fold upon itself and form a three-dimensional structure. Whereas DNA has two complementary anti-parallel strands, which are connected by hydrogen bonds among the nitrogen bases. डीएनए जो है हमने क्या देखा था कि वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आर जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो जनरली क्या है कि आर हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है बट कभी कभी क्या है कि ये अपने आप में फोल्ड हो जाता है फोल्ड होने पर क्या है कि जो नाइट्रोजन बेसिस आप आपस में आमने सामने आते हैं उनके बीच में जो है वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने लग जाते हैं और वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं सो वट वी सी दैट द आर एन ए इट इज़ अ टिपिकली सिंगल स्टैंडर्ड एंड इज मेड ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जैसे डी एन ए में मैंने बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है इसी तरह से इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना हुआ रहता है आर एन ए जो जिसमें फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस जो लिंक्ड होते हैं किससे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा तो जो डिफरेंसेस हैं इसके अंदर जो हम डीएनए से थोड़ा सा अलग हट के जो देखते हैं वो है एक नाइट्रोजन बेस जो कि यूरासिल किसकी जगह है ये थाइमिन की जगह

एक प्यूरिन जो है वो दूसरे पैरामिडिन के साथ बेस पेयरिंग करता है सो अ रो न्यूक्लेटाइड इन द आर एन ए चेन इट कंटेन्स रॉइबोस शुगर वन ऑफ द फोर नाइट्रोजनस बेसिस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप तो डी एन ए और आर एन ए में फिर जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है डी ऑक्सीराइबोस शुगर और रबोज शुगर जो क्लॉकवाइज में हमने वन टू थ्री फोर फाइव जो कार्बनस हैं उसमें जो टू नंबर का जो कार्बन है उस उसमें आप आर एन ए में वी सी ओ एच ग्रुप बिफोर दिस इज द रबोस शुगर वेर एज एनडी ऑक्सी रेबोस डी एन ए वी सी एट द टू पोजिशन टू पोजिशन पे आप देखते हैं हाइड्रोजन

यूरेसिल को यू से डिनोट करते हैं और थाइमिन को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं सो आर एन ए कंटेन्स द पैरामिड इन यूरोसिल इन प्लेस ऑफ थाइम विच इज फाउंड इन डी एन ए इसमें ये सिंगल रिंग जो है थाइमीन और यूरेसिल का आप सेकेंड कार्बन पर देख सकते हैं थाइमिन के अंदर मिथाइल ग्रुप दिख रहा है सी एच थ्री और जबकि यूरेसिल में वो एबसेंट होता है

दोनों में ही जो है न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर्स आपस में जुड़ करके ही स्ट्रैंड बनाते हैं बट द डिफरेंस ऑफ द थाइमीन एंड यूरासिल इन डी एन एंड आर एन ए एंड द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द देंटोस शुगर डी ऑक्सीराइबोस शुगर एंड रोज शुगर इन आर एन ए ये डिफरेंसेस हैं दोनों डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में सो वी सी दैट द फोर नाइट्रोजनस बेसिस विच आर प्रेजेंट इन डीएनए आर एडी नाइन साइटोसिन एंड थामिन और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रैंड का बना होता है जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो है एडिनाइन ग्वानिन साइटोसिन और यूरासिल सिमिलर टू डीएनए दिस आल्सो फॉर्म्स बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन का काम करते हैं और शुगर से अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस बट क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं होता है और नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो सिंगल होते हैं सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस आर एन ए डज नॉट फॉलो चारग आफ्स रूल दैट इज़ वन इज टू वन रेशियो डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन प्योरस एंड पैरामिडीन बेसिस ड्यू टू सिंगल स्टैंडर्ड नेचर एंड लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंटरीटी क्या है कि आर एन ए जो है वो चारगऑफ्स रूल को फॉलो नहीं करता है चारगोफ ने क्या बताया था वन एस टू वन रेशियो बताया था जिसमें ये कहा था कि जितना एडिनाइन होगा लगभग उतना अप्रॉक्सीमेटली थाइमिन भी प्रेजेंट होगा और इसी तरह से जितना गवानीन होगा उतना ही लगभग जो है साइटोसिन प्रेजेंट होगा बट क्योंकि आर सिंगल स्टैंडर्ड है तो ये इस चारगोफ रूल को फॉलो नहीं करता है और ये कारण क्या है सिंगल स्टैंडर्ड होने के वजह से और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होने के कारण ये रूल को फॉलो नहीं करता है तो वन न्यूक्लियोटाइड जो है किस किस का बना हुआ है वही तीन चीजें हैं वही तीन कंपोनेंट्स हैं फॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस सो द स्ट्रक्चर ऑफ ए

instead of thymine uracil is present so uracil will bind with adenine aur bilkul usi tarah se bind karega jaise wo adenine thymine ke sath bind kar raha tha dna aur rna jo hai wo single stranded hai अब DNA और RNA को हम कैसे compare कर सकते हैं DNA double stranded होता है और आर एन ए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो हम ये देखते हैं कि जो पेंटोस शुगर का डिफरेंस है और नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस है और डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड ये जो डिफरेंसेस हैं वो डीएनए और आरएनए को अलग अलग करते हैं और जनरली आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और क्योंकि आर जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं बट आरएनए के जो है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में ज़्यादा हेल्प करते हैं देर different types of rna available in a cell the three main types of rna are messenger rna messenger rna this carries copies of instruction for the assembly of amino acids into proteins from dna to ribosome messenger rna is it is produced in the nucleus and carries the information फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स मैसेंजर आर एन ए क्या है ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस होता है बनता है ये और जो मैसेज है डी एन ए से राइबोसोम तक कैरी करने का काम यानी इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करके ले जाता है इसीलिए इसको मैसेंजर कहते हैं मैसेज लेके जा रहा है ये इसीलिए इसको मैसेंजर आर एन ए कहते है. तो इसका फंक्शन क्या है इट ब्रिंग्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए इन न्यूक्लियस टू राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म जो डीएनए के अंदर जो कोड्स हैं उसको कॉपी करके वो न्यूक्लियस में से लेकर के राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है और इसीलिए इसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं इट इज रिटर्न ए स्मॉल एम कैपिटल आर एन ए मैसेजर आर एन ए दूसरा है राइबोसोमल आर एन ए दिस मेक्स अप द मेजर पार्ट ऑफ राइबोसोम इट इज द लार्जेस्ट आर एन एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट एटी परसेंट ऑफ द टोटल सेलुलर आर एन ए कोशिका का अस्सी प्रतिशत आर एन ए जो है वो राइबोसोमल आर एन ए होता है

और इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है राइबोसोमल आरएनए इसमें आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियलस है उसमें बनता है ये राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियलस से न्यूक्लियस में आता है और न्यूक्लियस से फिर ये राइबोसोम के साथ अटैच होकर के राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है नेक्स्ट कम्स द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ आर एन ए आर एन ए जैसे कि आपको बताया था इट इज जनरली टिपिकली सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंड का बना होता है बट वो आपस में फोल्ड हो करके टर्शरी स्ट्रक्चर भी बना सकता है नाउ दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनॉर्मस रोटेशनल फ्रीडम इन द बैकबोन ऑफ इट्स नॉन बेस पेड रीजन्स ये जो बैकबोन फॉस्फेट और पेंटोस शुगर का है जिसके साथ नाइट्रोजनस बेसस हैं और वो सिंगल हैं वो पेयर्ड नहीं है वो इसलिए हम उसको नॉन बेस पेयर्ड रीजन्स बोलते हैं तो ये जो है ये आपस में अटैच हो कर के पेरिंग कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं दस इट कैन फोल्ड इन टू कॉम्प्लेक्स टर्शरी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ बेस ट्रिपल्स एंड बेस बैक बोन इंट्रैक्शन एज फाउंड इन ट्रांसफर आर एन ए इस कैपेसिटी की वजह से जो रोटेशनल फ्रीडम है और आपस में पैर करने का जो बॉन्डिंग हो रही है और जिसकी वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर बन रहा है दैट गिवस राइज टू द ट्रांसफर आर एन ए स्ट्रक्चर तो हमारा तीसरा जो आर एन ए है वो है ट्रांसफर आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए कैरीज एमिनो एसिड्स टू राइबोसोम्स एज स्पेसिफाइड बाई कोडोन् द मैसेंजर आर एन ए दिस ट्रांसफर आर एन ए इट इज़ द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ आर एन एंड कॉन्स्टिट्यूट अबाउट टेन टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ टोटल सेलुलर आर एन ए जो कोशिका का दस से पंद्रह परसेंट आर एन ए जो है वो ट्रांसफर आर एन ए होता है और ये सबसे छोटा आर एन ए होता है एंड दीज आर फाउंड इन द साइटोप्लाजम एंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स देयर फंक्शन इज टू कलेक्ट एमिनो एसिड्स फ्रॉम द साइटोप्लाजम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस मैसेंजर आर एन ए क्या कर रहा था मैसेज लेकर आ रहा था कोड्स लेकर आ रहा था जो डी एन ए में थे उसको लेकर के वो न्यूक्लियस से बाहर आकर के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के साथ मिल कर के जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है तो उसके ऊपर जो कोड्स होते हैं उसको रीड करने का काम जो है ये ट्रांसफर आर एन करता है और ये एमिनो एसिड्स जो उसके कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स को साइटोप्लाज्म में से ले के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है सो व्हाट वी सी दैट

क्लोवर लीफ मॉडल कहा है एमिनो एसिड जो है वो उसके टॉप पे अटैच होकर के रहता है और जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं एंटी जो बॉटम में है एंटी ये एंटी मैसेंजर आर एन ए के कोडोन को रीड करता है और उसका जो लास्ट ऊपर का जो टॉप टिप है जहाँ पे थ्री एंड और थ्री एंड पे क्या अवेलेबल होता है फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप वहाँ पर हो अटैच होकर रहता है एमिनो एसिड जिसको वो साइटोप्लासम से लेकर आता है सो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन द बेसिक फंक्शन इज दैट ट्रांसफ़र एमिनो एसिड्स टू द राइबोसोम टू मेक अ प्रोटीन प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड्स को ट्रांसफर करता है एंटी ऑन ट्रांसफर आर एन ए एंड रीड्स द कोडाउन ऑन द मैसेजर आर एन ए अब ये जो है सेकेंड्री और टर्शरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा हुआ जिसमें एक लीनियर वे में जो है एक सिंगल स्ट्रैंड आर एन ए अवेलेबल है वो जब आपस में फोल्ड होता है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है जो कि है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर यह इसका जो टी आर्म और डी आर्म ये आपस में फिर और फोल्ड होते हैं तो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि एल शेप्ड होता है इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जो ट्रांसफ़र आर एन का क्लोवर लीफ मॉडल है टी आम और डी आम और थ्री हाइड्रोक्सिल जो थ्री एंड है वहाँ पर एमिनो एसिड अटैच हुआ है और जो एंटी कोडोन है जो बॉटम में है जो रीड कर रहा है मैसेंजर आरएनए के कोड्स को ये जब डी और टी आम आपस में फिर फोल्ड होते हैं तो थ्री डायमेंशनल एल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं द एल शेपर्शरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ द क्लोवर लीफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन टी एंड डी आम द बेस पेर्ड डबल हेलिकल स्टेम्स गेट अरेंज इन टू डबल हेलिकल कॉलम्स कंटिन्यूस एंड परपेंडिकुलर टू वन एंड अदर तो ये जो टी आर्म और डी आर्म आपस में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं तो उसके वजह से क्या है कि पेड डबल हेलिकल स्टेम अरेंज हो जाता है और दो टू डबल हेलिकल कॉलम्स बन जाते हैं जो एल शेप की तरह दिखाई देता है सो दिस इज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आर एन ए सो वॉट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन ए द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर एन ए वर मैसेजर आर एन ए जो डी एन ए से मैसेज लेकर के साइटोप्लासम में पहुंचता है और राइबोसोमल आरएनए जो न्यूक्लियल में बन रहे थे वो न्यूक्लियस से होकर के साइटोप्लाज्म में आकर के राइबोसोम के साथ अटैच होकर के राइबोसोमल आरएनए बनते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है एमिनो एसिड्स को लेकर आकर आएगा और वो राइबोसोमल आरएनए पे ट्रांसफ़र करेगा जिससे कि प्रोटीन्स बनते हैं सो वी सी दैट दीज थ्री आर एन एस हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस तो हम क्या देख रहे हैं जो जितना भी आर एन ए है वो सब किस में इन्वॉल्व हैं दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स नाउ इफ यू कंपेयर दीज थ्री टाइप्स ऑफ आर एन ए वाट आर द फंक्शन्स मैसेंजर आर का फंक्शन क्या है इट कैरीज़ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डी एन ए इन द न्यूक्लियस टू डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस इन द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करने में इंफॉर्मेशन लेकर के आता है मैसेंजर आर और राइबोसोमल आर जो है वो राइबोसोम्स के साथ एसोशिएट होकर के प्रोटीन्स बनाता है और ट्रांसफ़र आर क्या करता है एमिनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं सो वाट आर द डिफ्रेंस बिटवीन द डी एन एंड आर एन ए डी एन शुगर था और आर में राइबोस शुगर डी के अंदर थाइमीन था और आर में थाइमीन की जगह यूरासिल और डी जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है और आर जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। सो वॉट आर द फंक्शंस ऑफ आर एन ए डी एन ए कैन नेवर लीव द न्यूक्लियस डी एन ए हमेशा कहाँ होता है इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इट कैन नैवर कम आउटसाइड द न्यूक्लियस बट आर एन ए कैन मेक अ कापी ऑफ द डी एन ए जीन एंड कैरी इट आउट टू द राइबोसो आर एन ए क्या कर सकता है उसकी कॉपी को लेकर के यानी रीड करके उसके जो कोडॉन्स हैं उसके जो जेनेटिक कोडॉन्स हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको वो रीड करके उस मैसेंजर आर के तौर पर बाहर लेके आएगा और वो मैसेंजर आर को राइबोसोमल आर रीड करेंगे और ट्रांसफ़र आर जो एमिनो एसिड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं उससे प्रोटीन्स का सिंथेसिस होगा सो द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डी एन ए इन टू आर एन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन जो डी एन ए से आर एन ए में जो कॉपी हो रहा है मैसेज उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं अब जो मैसेंजर आर एन ए जो लेकर आया है मैसेज उसको प्रोटीन सिंथेसिस में जो करेगा उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन फ्रॉम मैसेंजर आर एन ए टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज नोन एज ट्रांसलेशन

असम्बली इंफॉर्मेशन फॉर ईच प्रोटीन और राइबोसोमल आर एन ए का क्या काम था इट असम्बल्स द प्रोटीन्स फ्राम द इंस्ट्रक्शन गिवन और ट्रांसफर आर एन एट टेक्स एमिनो एसिड्स टू द प्रोटीन्स दैट नीड दैम सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर दैट वॉट वार द डिफ्रेंस ऑफ डी एन एंड आर एन ए डी एन ए डबल स्टैंडर्ड होता है और जबकि आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड होता है आर एन ए डज़ नॉट सर्व एज हेरीडिटी इन्फॉर्मेशन इन मोस्ट सेल्स मोस्ट सेल्स में आर एन ए हेरीडिटी इन्फॉर्मेशन का काम नहीं करता है बट आर एन ए डज़ होल्ड दिस फंक्शन फॉर मैनी वायरसेस दैट डो नॉट कंटेन डी एन ए जिसमें डी एन ए नहीं होता है जो वायरसेस हैं कुछ वायरसेस है, जिनमें डी एन ए नहीं होता है उसमें ये आर एन एरीडिटी फंक्शन कैरी करता है but generally rna helps in protein synthesis all three types of rna they are involved in the synthesis of proteins thank you so much